फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में बॉलीवुड के एक्टर टाइगर श्रॉफ और ऋतिक रोशन से जुड़ी एक अपडेट के बारे में बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, सुपरस्टार टाइगर श्रॉफ और ऋतिक रोशन अपने शानदार बॉडी और दमदार एक्शन के लिए जाने जाते हैं। इन दोनों सितारों को फिल्म वॉर में एक साथ तगड़ा धमाका करते हुए देखा गया था, लेकिन इस वक्त एक ऐसी खबर सामने आ रही है जो कि उनके फैंस के लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं है। वहीं हम आपको बताते चले तो सभी जानते हैं कि ये रीमिक्स का दौर है और आए दिन किसी न किसी फिल्म का रीमेक बनता रहता है। इस वक्त एक ऐसी ही फिल्म से इन दोनों सितारों का नाम जुड़ रहा है और ये सच भी है। खबरों की माने तो एक हॉलीवुड फिल्म द ट्रांसपोर्टर की रीमेक में टाइगर श्रॉफ और ऋतिक रोशन नजर आ सकते हैं। खबरें हैं कि इन प्रोजेक्ट्स पर काम भी शुरू हो चुका है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ये भी पता चला है कि इस फिल्म को विशाल राडा बनाने जा रहे हैं और इसको लेकर वो काफ़ी सीरियस हैं। हालांकि इस फिल्म का आधिकारिक ऐलान कब होगा इसको लेकर फैंस एक्साइटेड हैं और देखने वाली बात होगी कि वो किस तरह से इसको बनाते हैं। विशाल ने इंटरव्यू के दौरान कहा था, हम बहुत सी कहानियाँ सुन चुके हैं और ज़्यादातर हम नए लेखकों को मौका देना चाहते हैं। मुझे सबसे ज़्यादा एक्शन फिल्में पसंद है, इसलिए मैं द ट्रांसपोर्टर का रीमेक बना रहा हूँ। इसके अलावा उन्होंने बताया कि उनको ट्रांसपोर्टर के आधिकारिक राइट्स मिल गए हैं और अब ये देखना है कि फिल्म कब फ्लोर पर आती है। उन्होंने खुलासा करते हुए ये भी कहा था कि वो इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ और ऋतिक रोशन को कास्ट करना चाहते हैं। वहीं हम आपको बताते चले तो सुपरस्टार ऋतिक रोशन और सुपरस्टार टाइगर श्रॉफ अपनी अपनी फिल्मों को लेकर बिजी हैं और लगातार अपना काम कर रहे हैं। वहीं हम आपको बताते चले तो द ट्रांसपोर्टर के रीमेक फिल्म को लेकर अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है। जैसे इस फिल्म से जुड़ी कोई भी खबरें आएंगी मैं आपको अपडेट करती रहूंगी। तो फ्रेंड्स, बॉलीवुड के एक्टर टाइगर श्रॉफ और ऋतिक रोशन को बड़े पर्दे पर एक साथ फिर से देखने के लिए आप कितना ज़्यादा एक्साइटेड हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।